पंडित लोग भी जैसे मिर्जापुरी पहलवान लोग अपनी मूछ है ना ऐंठते हैं, ऐसे पंडित लोग भी मूछ ऐंठते हैं जब शास्त्रार्थ करने लगते हैं। हमने बरसों तक देखा है, जाके शामिल हुए हैं, अरे जब शास्त्रार्थ करने लगते हैं तो यूं मसलते जाते हैं, अपना मसल है ना, मसलते जाते हैं और बात करते जाते हैं, ये घुटने के बल खड़े हो जाते हैं और अब लगता है कि अब मारपीट हुई। बड़े बड़े विद्वान वही दुष्यम विदुषाम जाती, एक बात सच्ची है कि झूठी है इसलिए तो हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अब से 1200 बरस या 2000 बरस पहले तक की बात को सोच नहीं सकती, सुनी सुनाई बात है। तो सुनते हैं गंगा किनारे एक कर्णवास क्षेत्र है, वो तो हमने देखा है, वहां एक दिन शंकराचार्य और दत्तात्रेय जी महाराज दोनों मिल गए गंगा किनारे, तो भोजन के समय दोनों भिक्षा करने गए गांव में, तो दत्तात्रेय जी को तो मिली बाजरे की बेझर की रोटी रूखी सूखी, और शंकराचार्य को मिला लड्डू हलवा पूरी। जब दोनों गंगा जी में इकट्ठे हुए भोजन करने के लिए तो दत्तात्रेय जी ने देखा, बोले कि क्यों भाई शंकर, दत्तात्रेय तो बड़े हैं ना, शंकर जी तो बात के आचार्य है, मानव आचार्य है और दत्तात्रेय जी सिद्ध आचार्य है। बोले क्यों शंकर? हाँ महाराज, क्या है ना, क्या गुण दिखाया है गांव में कि तुमको ये लड्डू पूरी मिला? बोले हमने तो कोई गुण नहीं दिखाया। बोले नहीं भाई, कुछ न कुछ तो दिखाया होगा। अच्छा क्या कर रहे थे? बोले महाराज, हम तो सौंदर्य लहरी का निर्माण करते हुए उसके श्लोकों को बोलते हुए गुनगुनाते हुए, बड़ी उत्तम रचना है वो सौंदर्य लहरी। तो बोले बस बस, किसी पंडित ने सुन लिया होगा और सोचा होगा कि बड़े भारी विद्वान हैं, तब इतनी अच्छी भिक्षा मिली है, ये भिक्षा तुम्हारी फक्कड़ी की नहीं है, पंडिताई की है। तो भुक्तये न तो मुक्तये, ये बड़ी भारी जो वैदुष्य है पंडिताई है, वैदुष्यम विदुषाम चापी, ये तुम्हारी पंडिताई तुमको भोजन अच्छा दे सकती है, मकान अच्छा दे सकती है, परंतु ये पंडिताई मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि ये अहंकार की आश्रित होती है, अहंकार की आश्रित होती है और अहंकार को बढ़ाती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल विनय है, विद्या का फल अभिमान नहीं है। सा विद्या जा विमुक्ते, सच्ची विद्या वो है जिससे मुक्ति मिले, सच्ची विद्या वो नहीं है जो रेशम के कीड़े की तरह तुमको बांध दे, हम विद्वान हम विद्वान हम विद्वान। तो भाई पांडित्य से वैदुष्य से भोग मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अच्छा जी, शास्त्र ज्ञान से तत्व ज्ञान भी तो होता है। अब एक दूसरी बात आई कि खूब शास्त्र पढ़ लेने से तो बोले अच्छा एक बात तो तुमने मान ली, क्या? कि यदि शास्त्र का खूब पंडित हो और तत्व ज्ञान ना हो तो वो पंडिताई तो व्यर्थ गई, ये तो तुमने मान ली ना। अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशाम परिपीडनाय। विद्या मिली तो विवाद किया, धन मिला तो नशे में आ गए,
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। जब शक्ति मिली बल मिला तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने लगे। भर्तृहरि ने तो कहा कि मातु केवल मेव जौवन वन छेदे उठारा भया। माता की जवानी का जो वन था उसको हमने कुल्हाड़ी बनकर काट दिया। एक बच्चा पैदा हुआ, हमारी माँ बुढ़िया हो गई, इसके सिवाय हमारे जन्मने का और कोई फल नहीं मिला। अपनी माँ को मैंने बुढ़िया बना दिया, हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ गया। माँ तो केवल मेव जौवन वन छेदे उठारा भया, बुढ़िया हो गई। तो बाबा बहुत पढ़ने से काम नहीं बनता। अधिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रातीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्रातीतिस्तु निष्फला। यदि परम तत्व का विज्ञान नहीं हुआ, विज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान, वो कहते हैं जिस एक से अनेक की सिद्धि होती है और अनेक से विलक्षण जो एक है इसका ज्ञान ज्ञान है, और जिस एक आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा जो ज्ञान है उसका नाम विज्ञान है। बोले तत्व का विज्ञान हो गया कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। तब इतना बोझ लेके दर्पी पाक रसम जथा, कलछी होती है ना, कलछी, कलछी तो बोलते हैं ना जिससे हलवा चलाते हैं, दाल चलाते हैं, चावल चलाते हैं, कलछी तो बोलते हैं दर्पी। तो बेचारे सब भोजन में घूमती है लेकिन क्या खट्टा है क्या मीठा है उसको स्वाद को मालूम ही नहीं पड़ता है। तो आपकी अक्कल सब शास्त्रों में प्रवेश करती है, सबको चलाती है, घुमाती है, फिराती है, लेकिन उसका जो स्वाद है वो तो आया ही नहीं। दर्वी पाकर समझता आपकी बुद्धि तो कलछी की तरह है। अभिज्ञाते परे तत्व, यदि आपको परम तत्व का, परिपूर्ण तत्व का, सर्वावभासक स्वप्रकाश तत्व का, पर तत्व माने प्रत्यग अभिन्न तत्व, एक पर शब्द का अर्थ याद कर लो, हो पर माने प्रत्यग, पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, सबसे परे क्या है का अपना आत्मा, इसी के सामने माया आती है। बाद में हुई ना, नीचे हो गई, इसी के सामने मायोपाधिक ईश्वर आता है, इसी के सामने दुनिया आती है, किसी के सामने कार्य कारण आता है, ये परम तत्व प्रत्यग अभिन्न जो तत्व है उसको यदि तुमने नहीं जाना तो शास्त्रातीतिस्तु निष्फला, शास्त्र का अध्ययन निष्फल गया, निष्फल। एक ज्ञान वैराग्य प्रकाश नाम की पोथी हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। अब आप लोग तो बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ते हैं तो ज्ञान वैराग्य प्रकाश तो बेचारा छपता है कि नहीं ये भी हमको पीछे पड़ गया। तो उसमें लिखा था कि एक बहुत बड़े पढ़े लिखे शिक्षित सज्जन कई विषय के डॉक्टर थे, डीलिट, वो नाव पर नदी में जा रहे थे। हे भगवान, अब बात किए बिना तो उनसे रहा न जाए, तो मल्लाह से उन्होंने बात
करने शुरू किए कि भाई चांदनी रात है, तारों के बारे में तुम कुछ जानते हो? उसने कहा, नहीं बाबू, हम तो नहीं जानते। अच्छा, विज्ञान शास्त्र के बारे में आजकल साइंस चंद्रलोक में जाने लगे हैं, कैसे कैसे रॉकेट बनता है मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, वेदांत शास्त्र के बारे में कुछ तुमको मालूम है? मुल्ला ने कहा, नहीं बाबू, हम तो नहीं। उसने कहा कि तुम्हारा तो तीन हिस्सा जो जीवन था, तारों का ज्ञान नहीं, साइंस का ज्ञान नहीं, दर्शन का ज्ञान नहीं, तुम्हारी तीन हिस्सा जिंदगी बेकार गई, बस नाव चलाने में लगे रहे। इतने में महाराज नाव जरा गड़बड़ाए गई नदी में, तो मल्लाह ने पूछा कि बाबूजी, आपको तैरना आता है? तो बाबूजी ने कहा कि नहीं, हमको तैरना तो नहीं आता। तो बोली कि हमारी तो तीन हिस्से जीवन जिंदगी खराब गई, एक हिस्सा बची है, हम बचा लेंगे, लेकिन तुम्हारा कुल का कुल चारों हिस्सा तुम्हारी जिंदगी का खराब गया, अब तुम डूबो पानी में। बोला तो ये संसार सागर में जिसको उतराना आता है, जिसको तैरना आता है, जिसको डुबकी लगाना आता है ना, सब विद्या चाहिए हो। कभी डुबकी लगा गए, समाधि लगा गए, डुबकी हो गई है ना, समाधि लगा लिया, डुबकी हो गई। और कभी असंग साक्षी के रूप में बैठ गए, तैर गए है ना, कभी देख लिया ये है क्या। तो परम तत्व का विज्ञान हुए बिना शास्त्र का अध्ययन निष्फल जाता है। विज्ञाते विपरे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। और जब तत्व विज्ञान हो गया, ये समझ गए कि प्रत्येक तत्व से सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, तो तब बोले फिर शब्द जाल शास्त्राध्ययन की क्या जरूरत रही। जब शास्त्र पढ़ा तब तो शास्त्र पढ़ने का सच्चा फल नहीं मिला, और जब सच्चा फल मिल गया तो शास्त्र की जरूरत नहीं रही। यदि नदी के पार नहीं गए तो नाव पर बैठना बेकार गया है ना, और जब पार हो गए तो नाव की कोई जरूरत नहीं रही। ये है, ये अगला श्लोक उड़िया बाबा जी महाराज बड़े प्रेम से बोला करते थे। विज्ञाते विपरे तत्वे अभिज्ञातम विजानता। जो बहुत जानते हैं, ये जाना ये जाना ये जाना, तो कुछ नहीं जानते। वैशेषिक ने कहा कि हम एक एक वस्तु में जो विशेषता है उसको गिन के देखेंगे। सांख्य ने कहा हम गिनती करेंगे। बौद्धों ने कहा हम सबका अभाव अनुभव करते हैं। ऐसे नहीं होता है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाद ज्ञातव्यम तत्वज्ञात तत्वमात्मनः। ये श्लोक ज्यादा बोलते थे बाबा। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, भटक जाओगे, वो ऐसे बोलते थे। मत पढ़ोरे मन शास्त्र जंगले, ये उड़िया भाषा में है कि बंगला में है ये तो हम नहीं जानते हैं, दोनों मिलती असमिया बंगाली उड़िया, ये तीनों बोली प्रायः एक सरीखी हैं। तो वो तो उड़िया थे,
परंतु ये पद बोलते थे, मत पड़ो रे मन शास्त्र जंगले, ओ रे मेरे मन शास्त्र के जंगल में मत पड़ो, उसमें इतने मार्ग हैं, इतने रास्ते हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी गतिविधियां हैं, इतने साधन हैं कि तुम उस जंगल में भटक जाओगे। जंगल में कहीं जाना हो, हमको याद है हम लोग एक बार शाकंभरी देवी गए सहारनपुर के पास जंगल में, और 40-50 मील पर शाकंभरी देवी का मंदिर है, तो हम नहीं जा सके हो। जब वहां का एक जानकार आदमी लिया और वो रास्ता दिखाता हुआ गया तब हम गए, नहीं तो जंगल में इधर से उधर रास्ते तो बहुत हैं। तो शास्त्र में कहीं भूत भैरव की उपासना भी है, कहीं देवताओं की उपासना है, कहीं पितरों की उपासना है, कहीं जादूगरी है, सिद्धियां हैं, सिद्धियां झूठी नहीं है तो होती हैं। हंसते वे लोग हैं जो वासना वाले हैं, उनको महत्वपूर्ण वे समझते हैं जो संसार को महत्वपूर्ण समझते हैं, और उनको झूठी वे कहते हैं जिन्होंने कभी किया नहीं है देखा। वो एक संसार का, वो भी एक संसार का एक वो भी रूप है। एक ने कहा महाराज एक सज्जन है वो मदारी की तरह हिप्नोटाइज करते हैं, मेसमराइज करते हैं, सिद्धियां दिखाते हैं, और आजकल तो सब लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। अरे बाबा, हमने कहा कि सिनेमा देखने के लिए इतने लोग जाते हैं, तो उनकी हम टीका टिप्पणी नहीं करते। अरे जो लोग सिनेमा का तमाशा देखना चाहते हैं वो सिनेमा में जाएंगे, जो जादू का खेल देखना चाहते हैं वो जादू में जाएंगे, है ना, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं वो भक्ति में जाएंगे, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो वहां जाएंगे, ये तो उनका विभाग है। ये तो उनका विभाग है, अपनी योग्यता के अनुरूप स्थान पर वो जाते हैं। शब्द जालम महारण्यम, ये शब्दों का जो जाल है ये महान अरण्य है, जंगल है, इसमें आदमी नहीं भटकता। तब कौन भटकता है? चित्त भटकता है। चित्त भ्रमण कारणम द्वैत अद्वैत, द्वैता द्वैत, विशिष्टा द्वैत, विशुद्धा द्वैत, हे भगवान, अनेकांत शून्य जड़वाद सब निकल जावे शास्त्र में से, किधर जाओगे? बोले हम अपने शास्त्र को मानते हैं। क्या ठीक है बाबा, अपने शास्त्र को मानते हो तो पहले ही जानकारी से मानकारी में आ गए ना। जब अपने शास्त्र, अपने पंथ, अपने मजहब, अपने फिरका को मानते ही हो तो इससे अच्छा ये होगा कि अपने गुरु को मानो, क्योंकि मजहब में भी तरह तरह की बात होती है, फिरके में भी तरह तरह की बात होती है, भटक जाओगे, भटक जाओगे। अतः चित्त भ्रमण कारणम, शरीर को भटका देना बहुत बड़ी बात नहीं है, चित्त को भटका देना बहुत बड़ी बात है। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने खंडन खंड खाद्य की बहुत तारीफ सुनी तो उनके मन में आया कि हम भी पढ़ें, तो पुस्तक दे दी हमने उनको, 3-4 दिन 5 दिन पढ़ के ले आए। बोले पंडित जी,
इसमें उन प्रश्नों का समाधान है जो हमारे मन में कभी नहीं उठते, और ऐसे प्रश्नों का यदि हम समाधान ढूंढने लगेंगे तो क्या प्रश्न और समाधान की इतिश्री कभी मिलेगी? दुनिया में कितने प्रश्न अब तक उठे हैं और उनका कितना समाधान किया गया है? क्या हम एक एक प्रश्न के बाल की खाल निकाल करके और हम उसका समाधान यदि सीखने लगेंगे तो हमको कभी तत्व ज्ञान होगा, हमको कभी जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख मिलेगा? कई जिंदगी मन को भटकाने के लिए मिली है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ठीक रास्ते से अठीक रास्ते से चलते नहीं, ठीक वस्तु को पाना नहीं चाहते, कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्षण नहीं। तो महाचित्त भ्रमण का अतः प्रयत्न आज ज्ञातव्यम तत्वज्ञा तत्वमात्मनः। इसलिए भाई आत्मनस्तत्वम प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, इसलिए दूसरे का तत्व नहीं अपना तत्व, दूसरे का तत्व थोड़ा दूर पड़ेगा, दूसरे के मन में क्या बात है इसका पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? तो कोई तो ज्योतिष से लगाते हैं कि देखो इसके मन में हमसे दुश्मनी में नाड़ी वाड़ी मिलती है कि नहीं, नाड़ी मिलती है कि नहीं, ग्रह मैत्री मिलती है कि नहीं, राशि लगन सब मिलता है कि नहीं। अच्छा, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, हमारे तो पुस्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्योतिष का रोजगार रहा, इतनी मामूली मामूली बातें उसमें होती हैं, आपके लिए तो वो गंभीर हो जाएगी, आप पूछेंगे आपके लिए गंभीर हो जाएगी। और जो जानते हैं वो तो इसको हंसी खेल में, तो देखो जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लाल जी भाई और प्रवीण जी भाई दोनों में मित्रता होगी कि शत्रुता होगी, जरा आप बताइए। ये ज्योतिषी जी से प्रश्न किया गया, इसका उत्तर कैसे देंगे आपको बतावे है? इसका उत्तर देंगे, अच्छा उनका नाम क्या है? कि प्रवीण जी भाई का। उनका नाम क्या? प्रवीण जी भाई, छह अक्षर है। और उनका नाम क्या है? लाल जी भाई, पांच अक्षर हुए, छह पांच ग्यारह। पूछने वाले का क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है भाई? का नूतन। अच्छा तीन अक्षर हुए, तो ग्यारह और तीन चौदह है ना, चौदह हो गए ना, तीन का भाग दे दो। हाँ तो एक बचे तो मित्रता होगी, और तीन बचे तो शत्रुता होगी है ना, और दो बचे तो, तीन तो बचेगा नहीं, शून्य बचेगा ना, तो शून्य बचेगा तो शत्रुता होगी, एक बचेगा तो मित्रता होगी, और दो बचे तो कबूले न शत्रुता न मित्रता मध्यम। अब देखो इस बात पर, माने इसी गणित के आधार पर यदि आप किसी को अपना शत्रु और मित्र मानने लगोगे तो आपकी जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगी है ना, ऐसे गणित के आधार पर है ना। अभी ये तो हमारे बाप जानते थे, दादा जानते थे, मैं जानता हूँ है ना। ऐसी कमजोर नींव पर यदि आप अपने जीवन का संचालन करोगे तो वो कैसे ठीक रास्ते में चलेगा? जब पीपल वाला भूत आपके जीवन का संचालन करेगा, तो हमारे एक मित्र हैं, यही व्यापारी हैं, उनको ऐसी लत पड़ गई कि घर से बाहर निकलना हो तो पहले प्लेन चेक पर पूछें कि जाएं कि नहीं है ना, कोई व्यापार करना हो तो प्लेन चेक चलावे हो, पता है तो जो कागज का बड़ा भारी टुकड़ा होता है उस पर अक्षर लिखे होते हैं और वो तिपाही उस पर चलती है। अब पूछें, अब महाराज ऐसा हुआ, घर के लोग इतने परेशान हो गए
इसको ये मैं अपनी बात नहीं सुनवाई थी, परेशान हुए कि जब हमारे पास आए तब हमने उनको बहुत ढंग से समझाया बुझाया बताया कि ये कितना व्यर्थ है। मैं तो बीजी ऋषि से भी मिला हूँ बोला, और हमने हम जानते हैं कि जीवित मनुष्य की आत्मा भी बुलाई जा सकती है, पर वो आत्मा नहीं आती है, अपना मन ही उसकी आत्मा का रूप धारण करते हैं। अरे भाई, तो ऐसे फिर आप अपना मन ऐसा रखेंगे तो परमेश्वर के रास्ते में, परमेश्वर के रास्ते में कैसे चलेंगे? यदि आप भांग पी के और सोचते हो कि हमारा ध्यान बहुत बढ़िया लगता है तो हाथ जोड़ते हैं, है ना? आप भांग ही पीजिए, ध्यान वान का नाम मत लीजिए। नशे में कहीं ध्यान होता है? ध्यान हो भी जाए तो उसका जो संस्कार, उसका जो अभ्यास, उसकी जो गाढ़ता, उसका जो अपूर्व बनता है वो आपके हृदय में बनेगा ही नहीं। नशा पी के ध्यान करने से ध्यान का अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातों में मत फंसे। अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्वज्ञात तत्वमात्मनः। अब इसका एक रहस्य आपको सुनाते हैं। योग दर्शन में कहा गया है कि यदि आप दूसरे के मन की बात को समझना चाहते हैं तो पहले अपने मन की बात को समझिए। ये सिद्धि है वो प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्। अपने अपने मन में कैसी कैसी वृत्तियां उठती हैं, क्या देखकर क्या उठता है, क्या देखकर क्या बैठता है, आप अपने मन का ही अध्ययन कीजिए। यदि आप अपने मन को ठीक ठीक समझ जाएंगे तो दूसरे के मन को भी ठीक समझ जाएंगे। ये मैंने दृष्टांत दिया योग दर्शन का। अब इसका दार्ष्टांत सुनो। ये तो दृष्टांत है, दार्ष्टांत क्या है कि यदि आप अपने को जानेंगे तब तो दूसरे को जान सकेंगे, और यदि आपने इसी चाम के भीतर, इसी हड्डी मांस के भीतर, है ना, इसी पीप चर्बी के भीतर, इसी कलेजे के पिंड के भीतर जो आपका मैं चुर रहा है, ये जो दाल चुर रही है, ये जो धड़कन चल रही है, यदि आप अपने मैं को नहीं समझेंगे तो दूसरे के मैं को समझने का दावा बिल्कुल झूठ है। एक महात्मा कहते थे, किसी कुड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा कि महाराज ईश्वर का क्या स्वरूप है, तो बोले कि तुम अपना स्वरूप जानते हो? क्या नहीं महाराज। तो 3.5 हाथ के शरीर में रहने वाले अपने मैं को तो तुम जानते नहीं हो, और कोटि कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले ईश्वर को समझना चाहते हो, ये हिमाकत है। हिमाकत तो आप लोग जानते हो, और ये साहस है, साहस नहीं दुस्साहस है। 3.5 हाथ के भीतर आत्मा कैसे काम करता है ये तुमको मालूम नहीं है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड के भीतर के बीच के माए परमेश्वर कैसा काम करता है ये आप मालूम करना चाहते हैं? लो भाई, तो शब्द जात अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्वज्ञात तत्वमात्मनः। आत्मनस तत्वम ज्ञातव्यम्। मेरा क्या तत्व है, मैं स्वयं क्या हूं, मैं स्वयं क्या हूं, ये जानना उचित है, ये जानना कर्तव्य है। अब बोले भाई बताओ कहां से मालूम करें? बोले कि एक तो चाहिए अपना प्रयत्न। आप अर्थी हो तत्व ज्ञान के, आप तत्व ज्ञान के खरीदार हैं कि नहीं? एक बार बाणिया लोग समझ जाते हैं कि एक आदमी ये आया है दुकान में और माल उलट रहा है,
25 स्थान अब तक देख चुका, 25 साड़ी देख चुका, खरीदने वाला है कि नहीं, देखते ही भाप लेते हैं। एक गाली की बात आपको सुनाते हैं, बनारसी गाली। जब कोई जूता खरीदने के लिए बनारसी दुकान में जाता है तो एक जोड़ा दिखाया, पांव में पहनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब दुकानदार परेशान हो जाता है तो ये वैसे बेचने की विद्या, दुकानदारी की विद्या नहीं है, विरुद्ध है उससे। लेकिन बोलता हाथ जोड़ के दुकानदार बनारसी खड़ा हो जाएगा, गुरु आपके मुंह के लायक हमारी दुकान में नहीं है। तो आप खरीददार हैं, तत्व ज्ञान के प्रेमी हैं कि नहीं, चाहिए हैं कि नहीं। हम दो मिनट में आपकी बात सुनकर, आपका प्रश्न सुनकर दो मिनट में निर्णय दे सकते हैं कि आप हमारे पास जिज्ञासु हो के आए हैं कि नहीं आए हैं, सकल देख के बता सकते हैं। आपका मन तो अभी उनके पास जाने का है, तक अभी उससे सीखने का है, अभी उस किताब में से ज्ञान लेने का है। तत्वज्ञा तत्वमात्मनः, लिए की लौ से लौ जलता है। आप अपने कलेजे में ज्ञान का दीपक जलाना चाहते हो तो उसको किसी ज्ञानी के हृदय से, आहा, जिसमें दीपक जल रहा हो उसके दिल से अपना दिल मिला दीजिए, उससे मतभेद मत कीजिए, उसकी राय को समझिए, अनुकूल दिशा में सोचिए। जब दिए की बत्ती दूसरी जलती हुई ज्योति से मिलती है तो वो भी जल उठती है, दिया जलाने का यही उपाय है। तो ज्योति से ज्योति जलती है, लौ से लौ जलती है, तो कहां मिलेगा? एक तो चाहिए अपना प्रयत्न कि आप सचमुच खरीदार हैं, और दूसरे सच्ची दुकान मिल जाए आपको, सच्ची दुकान हो, सच्चा माल हो, हैं? सच्चे माल में, सच्ची दुकान में सच्चा माल होता है, सच्चा, सच्ची दुकान हो और आप सचमुच के खरीदार हो। तो तत्वज्ञा तत्वमात्मनः अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रैः किमौषधैः। हमारे एक मित्र कहते हैं कि स्वामी जी, आप अंतःकरण शुद्धि के लिए कोई जप तप अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, अब लेबोरेटरी में ऐसा इंजेक्शन तैयार हो रहा है कि एक लगाएंगे और न काम आवेगा न क्रोध, मौज से बैठ के जमाई लेते रहो, जिरंभड़ा प्रस्वापना के मौसद ही। अरे भाई, अज्ञान का सांप दस गया, इसकी एक दवा है। और एक ही दवा है, दूसरी दवा नहीं। बहुत वेद पढ़ने से वेद पाठी जी को भी सांप काट जाता है, बहुत शास्त्र पढ़ने से, बहुत मंत्र बोलने से, बहुत औषध से। एक एक बात आपको सुना है मंत्र के बारे में। हमारे गांव में मंत्र के जानकार थे, तो जैसे गोंड लोग हैं, है ना, जंगली हैं, आदिवासी हैं, देहाती हैं, तो वो मंत्र खूब जानते हैं। तो हमको एक मंत्र बताया था बचपन में, हम 12 बरस के होंगे, 13 बरस के, तो उसमें
एक बांस की शाखा को चीर देते थे बीच से, और एक आदमी उधर दोनों ओर लेके खड़ा होता था, एक आदमी इधर, और हम चूहे की खोदी हुई मिट्टी लेकर उस पर फेंकते थे। वो बांस की जो चिरी हुई शाखा थी वो मूर्ति थी, और मुड़ के आपस में मिल जाती थी, तो उसमें कोई बेईमानी नहीं थी। पर वो बात आई कहां से ये आपको समझ। 12 बरस से लेके 16-17 बरस की उम्र तक उस मंत्र का प्रभाव हमारे अंदर रहा। 16-17 बरस का होते ही उस मंत्र का प्रभाव चला गया, फिर हमसे न हो। लेकिन हमने जिन बच्चों को सिखा दिया उनसे हो। क्या कारण हुआ आप देखो, जब तक मैं बच्चा था तब तक मेरा विश्वास बहुत सरल बहुत भोला था, है ना? और हमारे विश्वास से मन में जो बल आता था वो बल उस बांस की शाखा को आपस में मिला देता था। जब मैं बड़ा हुआ और मेरे मन में तर्क और वितर्क का उदय होने लगा, अविश्वास आते ही मंत्र की शक्ति का लोप हो जाता है, संशय का उदय होते ही मंत्र की शक्ति का लोप हो जाता है। अब आपको हम सुना सकते हैं कि वो मंत्र क्या था। बोला आप देखो, है ना, कैसे आप ये दुनियादारी वाले मंत्रों के बल पर अपना जीवन चलाओगे। वो मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ। बांस के चोंगा चोर समाई, दोहाई गौरा पार्वती महादेव की, दोहाई नैना जोगिनी की, दोहाई नोना चमाइन की, चमाइन माने चमारिन, दोहाई नोना चमारिन की, जुट, ये मंत्र था। नारायण अब आप बताओ, आप कहते हो औषध से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, मंत्र पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। शास्त्र के विद्वानों को महाराज, अब उस समय का यहाँ कोई काशी में बैठा हो ना तो माफ करे, हमारे समय में 9 आचार्य थे ऐसे शास्त्र के आचार्य हो जिनका नाम था नवरत्न। हम लोग बोलते थे गांव में उनका नाम था नवरत्न। वो नौ रत्न नहीं थे, नौ गुंडे थे, जहां डंडा लेके खड़े जाए हमारा पहुंच पहुंच जाए, है ना? क्या पाठशाला और क्या कॉलेज और क्या विद्यालय, सब पंडित उनसे डरते थे, वो डंडा लेके आ जाए तो भाग जाते थे, भले मानुष लोग भाग जाते थे। उनका नाम था नवरत्न पंडित। हम 2-3 से हमारी जान पहचान थी, नवरत्नों में से सबसे तो नहीं थी पर 2-3 से थी। उनका नाम था नवरत्न। क्या करेगा शास्त्र, तो किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च नानुध्यायात् बहून शब्दान वाचो विगलापनम् एतत्। आप उतने ही शब्द सीखिए जितने से आपके अज्ञान पर चोट लगे और वो टूट फूट जाए, चूर चूर हो जाए। तो ब्रह्म ज्ञान के औषध के बिना अब इसकी जरूरत क्या गच्छति पुरतः काम स्नान प्रदान प्रवचन प्रतिमा काम कलाम नापिते तच्चित्रम यस्य चित्रम कलितमभिमना श्रेयसाम प्रेयसाम जो पारोक्ष्यम संविधत्ते
दर्दि परमां पूर्णतां आत्मरूपां। अतः प्रयत्नाद् ज्ञातव्यम् तत्वज्ञात्तत्वमात्मनः। आत्मनस्तत्वं ज्ञातव्यम्। अपना जो तत्व है, स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर दुनिया की सब वस्तुएं टिकी हुई हैं। जैसे मैं न हो तो गुरु कौन बनावे, मैं न हो तो ईश्वर से कौन मिले, मैं न हो तो मुक्ति किसको, मैं न हो तो दुनिया मालूम किसको पड़े। इसलिए जो कुछ है होगा वो प्रकाशित होता है ज्ञान से, और ज्ञान मैं में होता है, ज्ञान दूसरे में नहीं होता, ज्ञान स्वयं में होता है। आत्मा की पहचान न्याय दर्शन में यही बताई गई है, आत्मा किसको कहते हैं, बोले जिसको ज्ञान होता है ना, जिसको ज्ञान होता है उसका नाम आत्मा है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। दुनिया का चाहे ईश्वर का ज्ञान हो, चाहे जीव का ज्ञान हो, चाहे जगत का ज्ञान हो, अगर कोई ज्ञान होता है तो वो अपने आप को ही होता है। इसलिए आत्मा की पहचान है ज्ञान। अब ये बात दूसरी है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कि ज्ञान का आधार है, लेकिन ज्ञान आत्मा को छोड़कर खड़ी को नहीं होता है, खड़ी को ज्ञान नहीं होता, किताब को ज्ञान नहीं होता। अच्छा, हम मानते हैं ईश्वर को ज्ञान होता है, ठीक बात है, होता है, पर यह बात किसको मालूम पड़ती है, जिसका ज्ञान किसको होता है कि ईश्वर को ज्ञान होता है, चाहे गुरु को ज्ञान होता है, बहुत बढ़िया, परंतु गुरु को ज्ञान होता है ये किसको मालूम, तो वो भी अपने को। ज्ञान हमेशा ही आत्मनिष्ठ होता है, अपने आप में होता है। तो ये देखो कि जिसको ज्ञान होता है वो कौन है, वो स्वयं अज्ञान है कि ज्ञान है, ये भी तो एक विवेक है। बोले भाई ये गुरु बनाने लायक है कि नहीं, ये निर्णय कौन करता है ना, है? अच्छा, ईश्वर है कि नहीं ये निर्णय कौन करता है। तो जो ईश्वर के होने न होने तक का निर्णय कर लेता है, और जो गुरु की जो लियाकत है, ये गुरु के लायक पने को जो तौल लेता है वो सबसे बड़ा हुआ ना, वही जानने लायक है।
और उसको जाने बिना मूल रोशनी को ही नहीं पहचाना कि क्या है, तो रोशनी में दिखने वाले पदार्थ को पहचाने भी क्या जाएंगे, सब अज्ञान का ही विलास रहेगा। अतः आत्मनस्तत्वं ज्ञातव्यम्। अच्छा, तो आत्मा का ज्ञान किससे हो? कर तत्वज्ञ से। अच्छा, तो तत्वज्ञ आवेगा, ज्ञान करा देगा, तो ये बात नहीं है। तत्वज्ञ को ज्ञान कराने की वासना नहीं होती। जो लोगों को ज्ञान कराने के लिए वासनावान होकर फिरता रहता है, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, ये तीनों तत्वज्ञ में नहीं होते। हमारी पोथी ठीक है, दूसरे की गलत है, ये तो मजहबी लोगों का ख्याल है। अच्छा, हम सबसे पहले, हम किसी किसी को व्यवहार करते देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो अपने को संसार के व्यवहार का केंद्र मानकर व्यवहार करता है और सबको हुक्म देता है, सबको झिड़क देता है, सबको सुझाव देता है, हैं? जैसे सब उसके नौकर हों। हे नारायण, ये जो छोटा मैं है, ये तो जैसे सब हैं वैसे ही है, सबके बराबर ही है। तो देह की वासना, फिर लोक की